Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN नया न्यूज। आज जिस खास मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, वो खास मुद्दा है कर्नाटक इलेक्शन का, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो पार्टियां हैं, चाहे लोकल पार्टियां हो या फिर देश की जो मानी हुई पार्टियां, चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस, इनमें भी कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल रही है। और अब ये चीजें सबसे ज्यादा हो गई है कि दल बदलना शुरू हो गया है, नेता हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि वो दल बदलना उनका शुरू हो गया है। बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में, जो वहाँ की पार्टी सबसे बड़ी जो पार्टी है जनता दल सेकुलर, जो विधायक है जो वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं अगर आपको पूरी खबर से रूबरू कराऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं और विधायक और जो नेता है उनका पाला बदलना जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल सेकुलर के दो विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जेडीएस के साथ विधायक पहले से ही राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस की पार्टी के साथ है। अब जो चीजें हैं कि विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद वे सभी कांग्रेस में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बता दूं कि इस बीच बड़ी तादाद में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी आने की चर्चा में गर्म है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वहीं बीजेपी विधायक के द्वारा भी पाला बदलकर कांग्रेस में जाने की बात कही जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीजेपी वाले कहीं ना कहीं रुष्ट होकर के बीजेपी से कांग्रेस में जाना चाहते हैं और कांग्रेस वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से रुष्ट होकर के बीजेपी में आना चाहते हैं, क्योंकि सबकी जो डिमांड है, जो नजरिया है पार्टी को किस तरीके से देखने का, वो शायद अलग है। अब इसमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर कर्नाटक में जिस तरीके की सियासत शुरू होने जा रही है, सियासत चाहे वो दलितों को लेकर के हो, क्योंकि जिग्नेश मेवानी ने भी बहुत पहले कह दिया था कि वो दलितों की तरफ से, या कहें कि दलितों की जो राजनीति करते हुए नजर आएंगे जिग्नेश मेवानी, और राहुल गांधी कांग्रेस के चेहरे के रूप में जिग्नेश मेवानी को यूज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर गुजरात में अगर बात की जाए तो गुजरात में कांग्रेस ने जितनी भी बढ़त हासिल की है, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यह बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ अपनी पैठ जमाई थी और बहुत अच्छी तरीके से वो उन्होंने अपना काम किया था। और जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिल रही थी वो ये चीज़ थी कि राहुल गांधी ने 3 बैसाखियों के सहारे जो उनकी नैया थी वो कहीं ना कहीं पार किया है, क्योंकि जब जितनी भी सीटें आई, 88 सीट आई हैं, वो कहीं ना कहीं 3 बैसाखियों के जरिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि वो 3 बैसाखियां मुझे कर्नाटक चुनाव में भी मिले, तो आखिर अभी तो ये पूरी तरीके से रुख साफ नहीं हुआ है कि सच में क्या जो हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर है उनके द्वारा क्या कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि सियासत होगी, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से अलग अलग जो देखा जा रहा है, अलग अलग धर्म से या फिर यूं कहें कि अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं, हार्दिक पटेल हों या फिर जिग्नेश मेवानी हो या अल्पेश ठाकुर हों, वो भी अलग समुदाय से आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि 3 बैसाखियां
क्या राहुल गांधी के लिए जरूरी बन गई है कर्नाटक चुनाव के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये खबर है कि जो विधायक है कहीं ना कहीं बगावत करके बीजेपी में आ रहे हैं, और बीजेपी वाले जो विधायक हैं वो बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी जनता दल सेकुलर, उसके भी विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या सच में विधायकों को ऐसा लगता है कि कर्नाटक में आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार ही आएगी, इसलिए उनको अभी से लगने लगा है कि बीजेपी में जाना ही बेटर लगेगा? खैर, नजरिया सबका अलग होता है, नजरिया सभी अपना नजरिए की बदौलत ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस ने काम किया है, विकास किया है, तो हो सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस आए। लेकिन चुनौती दोनों टीमों के लिए है। जिस तरीके की मैच के मैदान में अगर कोई जो जिस पार्टी दोनों दमदार पार्टी उतरती हैं, तो उनमें दोनों के बीच लड़ाई होने का बहुत बड़ा वो देखा जाता है, कांटे की टक्कर देखी जाती है। लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में भले ही कांटे की टक्कर ना मानी जाती हो, क्योंकि राहुल गांधी को बहुत बीजेपी कमजोर समझती है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सुधार किया है, वो कर्नाटक में वो यही चाहते हैं कि कर्नाटक में वो सरकार बनाए, और सरकार इस तरीके की बने कि उनको अपने अध्यक्ष पद पर गर्व हो। क्योंकि अगर वो मेहनत करेंगे और मेहनत के जरिए अपनी रणनीति अपनाएंगे, तो उस रणनीति पर कहीं ना कहीं खड़े उतरेंगे, और अगर इससे बेटर अगर परिणाम अच्छे आते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। यही है कि कम से कम आने वाले दिनों में जिस तरीके से देखने को मिलेगा कि परिणाम कुछ और निकल आएंगे। मैं रिपोर्ट के जरिए फिर से आपको बता दूं कि सिद्धरमैया कैबिनेट के एक मंत्री और उनके विधायक बेटे भी बीजेपी में जाने की, देखिए सिद्धरमैया कैबिनेट के एक मंत्री हैं और उनके विधायक बेटे की भी बीजेपी में जाने की चर्चा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कांग्रेस के कई विधायकों की पार्टी में आने की बात कही थी। इसके बाद कांग्रेस के राज्य प्रमुख जी परमेश्वर ने भी बीजेपी के कई नेताओं द्वारा दल बदलने के लिए तैयार होने की बात कही थी। सूत्रों के अनुसार अगर बता दूं कि कांग्रेस के 5 से 6 विधायक बीजेपी में आने को तैयार है। इसको लेकर अंतिम दौर की बातचीत भी हो चुकी है। आने वाले 2-3 सप्ताह में सभी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इनमें से दो तो बेंगलुरु सिटी के हैं। अगर मैं एक चैनल की अगर बात मानूं, तो उसमें बताया गया है कि कांग्रेस विधायक रियल एस्टेट टाइकून व कर्नाटक के आवास मंत्री एम कृष्णप्पा और उनके बेटे प्रिय कृष्णा भी पाला बदलकर बीजेपी में जा सकते हैं। कृष्णप्पा के बोगलिया बुक्का लीगा समुदाय का प्रभावी नेता माना जाता है, और प्रिय कृष्णा 2 बार विधायक रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी उन्हें अपनी ओर लाने में जुटी हुई है। प्रिय कृष्णा ने बीजेपी नेता के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे बीजेपी के कुछ नेता हैं, हम लोग बीजेपी में क्यों जाएंगे, मेरे लिए कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैं 2 बार से विधायक हूं, हम लोग बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, बीजेपी की नज़र कर्नाटक के मंत्री और प्रभावी लिंगायत नेता ईश्वर खड़गे पर भी टिकी है, वे बीदर जिले से आते हैं। और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी डॉक्टर ABL करड्डी मलिकयप्पा गुटेदार और बाबूराव चिनन्सुर के भी संपर्क में है, और कांग्रेस के तीनों वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोला था। ये तीनों उनके बेटे प्रियांक खड़गे को सिद्धरमैया कैबिनेट मंत्री बनाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं उनके बेटे, और उनको भी कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी बीजेपी में शामिल होते हैं। अगर वो मंत्री ही अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बगावत और बहुत बड़ा धक्का लग सकता है इस मामले में। और देखने को ये मिलेगा कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं ये एक नज़रिया जाएगा कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के अगर मंत्री ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बहुत अच्छी मलाई है। और यही जान करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने भी विधायक या फिर मंत्री हैं, वो कई विधायक हैं जो जाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन बात फिर वहीं खड़ी हो जाती है कि बीजेपी के भी कई ऐसे विधायक हैं या नेता हैं, कहीं ना कहीं
वो भी कांग्रेस में शामिल होने की जो कश्मकश है वो लगाए हुए हैं। ऐसे में देखने को ये मिलेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी के मंत्री या फिर विधायक अगर बीजेपी में जाते हैं तो मुझे तो लगता है ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो मुश्किल हो जाएगा उसका जीतना। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी को भी मुश्किल पड़ा होगा कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर के आए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।